बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और ये उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब उनको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका ब्रीडिंग के हवाले से और कबूतरों की जो उड़ान है उस हवाले से उनको पूरी दुनिया जानती है। वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये उनके जो परिंदे हैं जो इस दफ़ा मोरे खा के उड़े हुए हैं, मुकाबले जीते हुए हैं, मुकाबलों में हिस्सा लिया हुआ है, लंबी परवाजें हैं, वो परिंदे अलहदा करवाए हैं उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब ने। इनका मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुद ही शौक करवाएं जितने भी परिंदे दिखाए जा सकते हैं जी, और उनकी परफॉर्मेंस और नस्ल भी हमें बताएं कौन कौन सी। ये माशाल्लाह इसका नाम अंडरटेकर कहते हैं। ये इसके पैरों देखे माशाल्लाह, ये इसका ये दराव जी गल तुम खुले दसी जी उन्होंने सीधे ही ना हाँ जी थोड़े उन्होंने अगू बचा है, इन्हें पैर अपने कवर कर ले। हाँ बाहर अंदर आ गया। जी, तो दो एक कुंदे भी अपने बराबर कर गए नावा तो दसवा। मैं जी बैठी अठवां और दसवां हूँ बराबर हो अठवां तो दसवां पर जरा ना दो एक कुछ गए, डेढ़ बराबर जो हो गए। जो नाम है वो थोड़ा जहा बस वह फर्क आ जाएगा, थोड़ा बहुत जहा सूत्र बंदा भी सूत्र कबूतर ने उड़ा जबरदस्त दे। बैलेंस हो गया जी इसका। हाँ तो ये इसकी आँख है, ये हमारे पास जेठ में भी उड़ा हुआ है। अंदर है जरा इसकी आँख, इसलिए जरा थोड़ी खुली हुई है, अंधेरा है थोड़ा सा, अंदर बाहर निकालेंगे फिर सही इसकी कबूतर आँख नजर आएगी। ये भी माशाल्लाह सारी उड़ाने जो है ना मैं तकरीबन शाम तक ही बैठा है, सुबह जब उड़ी है हर यानी ये 12-14 घंटे परवाज दे के बैठा है, उड़ान जो शाम को बैठा ये अंडरटेकर दिखाया है जी। है। ये हमारा लाखा कबूतर है, ये जेठ में भी इसने बड़ी अच्छी परवाजें दी हुई है। तो इस साल भी थोड़ा सा ऐसे लेट शुरू हुआ था, बल्ले शाम तक ये ना उड़ता रहे, एक दो दिन जल्दी थोड़ा बैठ, बाकी इसमें शाम तक उड़ता अंधेरे में लगे हुए हैं। जितना मर्जी अंधेरा हो जाए लेट भी हो जाए तो बैठ जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये एक साथ जी एक चीज़ बताएं, एक तो ये लाखे का बताएं इसकी नस्ल के हवाले से, ये वही ये नासी वाले और हमारे शर्मिले क्रॉस ये 79 वाला और शर्मीला क्रास है, जी, और शाम तक परवाजें इसकी भी बारह उम्र लगी चौदह घंटे तक परवाज है जी। जेठ ये मोर दिखाएं जी जरा में, ये दोबारा। सो तो चलो ठीक है, जेठ में भी इसने शाम की काफी 7 बजे के बाद की परवा दे देंगे अंधेरे में, ये सारी बात ये भी मोरे लगे। स्काई किंग में हमारा हमारा चौथा नंबर आया था सियालकोट इस जिला पे का, कितनी मोरे हैं जी? ये जितने दिन उड़ा है ना उतने मोरे, 5 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, ये सेंटर में 5 मिट गई है, थोड़ी रोजाना मोर लगती है हमारे बाजू में, इसका फिर चलते फिरते ले जी अजान सुन लेते हैं, अजान शुरू हो गई है, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बाकी हम पकड़ के फिर दिखाते हैं बाहर। जी अजान के वक्फे, जी अजान के वक्फे के बाद दोबारा खुश आमदीद। हम करवा रहे थे उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब के जो विनर कबूतर हैं जिन्होंने लंबी परवाजें दी हैं जेठ में और मुकाबलों में हिस्सा लिया हुआ है बाकायदा, उनका उस्ताद मोइन नवाज साहब शौक करवा रहे थे। पहले भी एक या दो परिंदों का करवाया, अब ये कौन सा परिंदा है जी आपके ये यहाँ? हमारी लाखी मादी है जो जेठ में भी उड़ी हुई है, साख में हम जीत रहे थे मगर ये इसने बुलंदी नहीं छोड़ी थी, तो वैसे तो अंधेरे की लगी हुई है पर हाइट इतनी मी थी कि नहीं थी बैठ सकी, लेट हो गई। हाँ रात रह गई जी। बस सुबह आई थी, इस वजह से वो साख का नंबर हमारा फिर दूसरा आ गया था, पता नहीं कितना आया था। तो ये इससे सुबह में माशाल्लाह इसने 5 की 5 उड़ाने जो है ना वो अंधेरे की है इसकी। अच्छा जी, ये आप एक, ये जो वो अपने सुरखे कबूतर है उनका और शर्मिलों का क्रॉस है। अच्छा जी, ये इंडियन जो हकीम नसर हाँ साहब हाँ वाले जी हाँ जी, हैं वो सतरंगे हाँ जी खतांग हाँ जी हाँ उनका ये क्रास है जी, और शर्मीलों के साथ क्रॉस दिया गया इनका। जी अच्छा जी, ये एक और परिंदा मेरे हाथ में है, उसकी भी मोरें दिखा दें जी। जी मोरे मोरे तो मोरे मोरे हैं लोगों को वैसे ही पता, वीडियो चलती रही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पैरों में भी उड़ी है ना इसलिए इसको 7 मोरे लगी है।
जिस दिन बादल आ गए थे ना 10 तारीख को, वो मुझे हमारी माती आके लग गई थी बादलों में, तो माशाल्लाह फिर 4-5 5:30 बजे ना, जी और 5 बजे भी आ गई थी, घर ये पहुंच गई थी। उस्ताद जी, ये दूसरा एक परिंदा है। ये हमारे सियालकोटी जो कबूतर है ज़्यादा शर्मीले और बटेरे क्रॉस हैं, वैसे तो वो भी सियालकोटी ही शर्मीले। तो ये माती हमने, हमारा काला कबूतर बैरी ले गई थी, तो उसके बाद ये डाली थी। वो तीनों दिन ये तीनों परवादे जो है ना, ये दो हर उड़ी हैं बाहर में, दोनों तेरे अंधेरे में बैठी हैं माशाल्लाह। तो इसकी चोंच का कलर वैसे कैसा पक्का है, जैसी चोंच वैसी पलकें, इसकी वैसे भी पंजे। इसकी मोरे भी साजी इसकी दिखाएं। बाद में उड़ाई थी, तो इसकी मोरे जो है ना, सिर्फ इसकी दो उड़ाने उड़ी है, दोनों अंधेरे में बैठी, दो ही लगी हैं। अब ये जी मेरे हाथ में एक और कबूतर है, इसका भी साजी शौक ये करवाएं। हीरो ये है, ये हमारा बटेरा चेतर में बच्चा उड़ता था यार, इसने पंजाब की सुपर बराज जीती थी। अच्छा, ये पंजाब की सुपर परिवार बच्चा था जब बच्चा ये। बच्चा था उस टाइम, इसने सुपर बराज ली थी अंधेरे में, 8 बज के पता नहीं कितने मिनट में बैठा। आठ अभी बजे भी के ये हमने बाद में डाला है, हमारे दो कबूतर पुराने कबूतर जो है ना, वो लगड़ ले गया था, वो माती अभी जो पहले दिखाई, और ये इसमें तबीयत नहीं थी थोड़ी ठीक, इसलिए इसको बाद पिछली उड़ानों में डाला। ये भी माशाल्लाह आखिरी दिन में ये शाम को बैठा, दोनों दो उड़ाने उड़ा, दोनों तीन उड़ा, बल्कि तीन उड़ा, तीनों दिन शाम को बैठा। हाँ तीन मोरे हैं जी जी, इसकी। हाँ जी, 3 दिन उड़ा। हाँ ये सियालकोटी बटेरा। अच्छा, जी, इसका बाप भी बड़ा नावर उड़ा हुआ है, शाकर ले गया था जलालपुर में, उड़ता था हीरो के नाम से। तो ये खुद भी हीरो है, हीरो वाले काम करता है ये भी। ये जी एक और है, आखिरी ये दिखाते हैं फिर इस ये वीडियो हमारा में। लाखा कबूतर जो जेठ में भी शाम तक उड़ता रहे, तो परों के भी बैलेंस देखे कितना चल रहा, अभी तक क्रीच में है थोड़ा। ये इसके परों का बैलेंस है, पर अभी खराब हो गया, उड़ उड़ के थोड़ा घस गया हुआ है। ये इसके मोरे मोरे में ये भी इतना फिट नहीं था, मगर फिर भी अपनी स्वाद करता रहा। आंखें देखें इनकी माशाल्लाह कैसी ब्राइट ये हैं। भी घर का है, ये हाँ जी, क्रॉस सारे है। सब घर के, एक बार का कोई कबूतर नहीं, नहीं है ये ये, नासियल और शर्मिला क्रॉस। और अंधेरे में बैठना में जो ना इस पे ख़त्म है, बारिश में भी वो बादल में चढ़ के आ गया था, देरी जब एक दिन चली थी जेठ में, पहले सीजन का पट्टा पिछले साल का। अब ये जी एक और आखिरी है इसका ये भी। ले अंडरटेकर, टोमी अंडरटेकर। ये मादी मारी जो है ना, हमारी सबसे बेस्ट मादी उड़ती रही है जो कप में, सू में सारे दिन, ये एंड टाइम जो है ना, वो आखिरी टाइम है, ये बैठती है कबूतरों के बाद। एक दो दिन दूसरी लाखी बैठी है एक दिन, हालांकि इसमें कमज़ोर थी बड़ी, अभी माशाल्लाह पूरी फिट है। तो प्रवाज इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये कौन ये सी सारे नस्ल है जी? ये भी नासियाला शर्मीला ग्रास है, अच्छा, शर्मीले आपके जो हैं वो। वो चादर, ये ग्रे चादर, और ये मोतियाली गर्दन से मोतियाली नज़र आ रही है, ये नासी वाले और शर्मीले ग्रास में, बहुत आला परवाज है इसकी माशाल्लाह। ये आपकी जो सबसे, ये इस अशोक सीजन में सबसे आखिर में यही बैठती थी। ये जी सबसे आखिर में बैठी है ये भी 79 वाला और शर्मीला क्रास है ये। अब और एक और जो यार आपको नीचे तुमने दिखाया था काले जाक जो कहते हैं, ये नासी वाला और उनका शर्मीला, पट्टा है अंडरटेकर। नाम वो बड़ा जबरदस्त है जी इसका, अंडरटेकर। बच्चे आते हैं ना, उन्होंने ना रखा
पुराना प्लेयर है ना, इसलिए नाम इसका इसकी क्या परवाजें आपने बताई ये हैं? जेठ में भी माशाल्लाह चावल, इसे असु में भी हर रोज शाम को बैठा दे रहे में 5 के 5 दिन। अच्छा जी, शाह जी एक चीज़ बताएं कि जो अंधेरे में बिठाने के लिए कबूतर को, एक तो कुदरती चीज़ें होती हैं और दूसरा उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। ट्रेनिंग होती है बस, बाहर बैठाएंगे रात को अंधेरे में, नीचे घुमाएंगे, दाना पानी डालेंगे। ये भी अभी पट्टी है, ये भी रात भर बिठाई जाती थी, लंबी उड़ान करती थी असु में, इसलिए इसको नहीं था उड़ाया, फिर इसको इसके पर बांध दिए थे हमने। ज़्यादा मतलब गहराई नहीं छोड़ती थी, और चलो रात को भाई, बैठना इसके लिए ज़रा मुश्किल होता था। बैठ भी जाती थी मगर वो प्रवाह थकावट नहीं आती थी, मगर फिर भी कभी कभी जो है ना इतनी गहराई में रहती थी कि बैठने का टाइम गुजर जाता है। 2-3 मरतबा इसी तरह रात रही, फिर हमने इसको पीछे वादी में नहीं डाला। ये मॉडल है, 2022 मॉडल है, आँख देखें इसकी माशाल्लाह कैसी प्यारी है, कलर इसका प्योर ये जी एक रह गया, ये भी अपने हाथों से ही आप शॉप करवाए। है। ये साकर वाली चिड़ी है, इसके पर भी उस टाइम गुल्ला था जब उड़ती थी, एक पर ये काम था कि ये था, ये अभी मैं इससे निकाले हैं, दो काम पर में उड़ती रही, दो काम के पर, ये उड़ उड़ के इनके पर जो है ना वो खत्म हो गए, 2-3 साल हो गए ना, तो इनके बगलों के पर थोड़ा खराब हो गए। जेठ में भी ये शाम तक उड़ती रही, इसलिए जेठ में असु में भी यार उड़ा, ये एक दिन बैठी है 2-2:30 बजे, बाकी शाम तक बैठी। ये किस किस का जी क्रास? ये बटेरे शर्मीले हैं, बटेरे और शर्मीले। अच्छा ये पट्टी मेरे से छोटी सी लेके गया था, उसके साथ वो बटेरा कबूतर लगाया करके घर पे। ये बचपन में भी 76 में इसने बहुत अला परफॉर्मेंस दी, हर उड़ान में शाम को बैठ के, बच्चा था जब। ले जी, आज उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो नए कबूतर परवरों के लिए मालूमात भी दी है और अपने परिंदे तमाम जो इस जेठ में, इस सीज़न में उड़े हुए हैं, असू में और जेठ में, बैसाख में, उनका शौक़ भी खुद अपने हाथों से करवाया है। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।